हेलो फ्रेंड्स, टेक अजी यूट्यूबर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो होता है, आप मोबाइल का एम मोबाइल एप्लीकेशन को, सेंट्रल मोबाइल जो होता है एप्लीकेशन में कैसे न्यू रजिस्टर होंगे, नेट बैंकिंग कैसे चालू करेंगे, इसमें आपको भीम यूपीआई द्वारा आपको फोन पे गूगल पे के एप्लीकेशन के द्वारा नहीं भेजना पड़ेगा। जो इस एप्लीकेशन से आप ओपन कर लेंगे रजिस्टर करके, तो आसानी से आप इससे पैसा किसी पर रिसीव कर सकते हैं, किसी भी स्कैन करके भेज सकते हैं, जो भी आपको जैसे इसमें सभी को रिचार्ज मोबाइल करना चाहते तो कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने रजिस्टर पर जब क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको एक्सेप्ट एंड टर्म कंडीशन होती है, जो यहाँ से एक्सेप्ट जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके अकाउंट नंबर का CIF नंबर होता है या अकाउंट नंबर, दोनों में से एक को इंटर करेंगे। तो जैसे चलिए फ्रेंड, हम अपने अकाउंट नंबर को इंटर कर देंगे, अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर डालने के बाद जो मोबाइल से नंबर रजिस्टर रहेंगे आप अपने खाते का, उस नंबर पर OTP आएगी। देख सकते हैं इस तरह से, जैसे हमारा खाते का नाम है वीरेंद्र कुमार, इस तरह से आ जाएगा और आपका OTP आ जाएगा, जो देख सकते हैं 7496 है, जो 7496 है, तो इस 7496 को हम इंटर करेंगे। जो यहाँ से देख सकते हैं प्रोसीड का ऑप्शन देता है या री जनरेट का ऑप्शन देता है, तो प्रोसीड पर जब क्लिक करेंगे तो जैसे आपको चार ऑप्शन देगा यहाँ से, यूजर ऑथराइज्ड, मतलब आप किस तरह किस से बनाना चाहते हैं, नेट इंटर आई हैव डेबिट कार्ड से, आई हैव इंटरनेट बैंकिंग से, मतलब आई हैव ब्रांच, मतलब ब्रांच के टोकन से, आई हैव ATM मशीन से। तो फ्रेंड, हम अपने ATM कार्ड से, अपना ATM कार्ड से जो फर्स्ट वाला है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, जो आसानी तरीके से हमारा सक्सेसफुली बन जनरेट होगा। अपने ATM कार्ड नंबर डालेंगे पूरा, उसके ऊपर से आप उसका एक्सपायरी डेट डालने के बाद इस तरह से आपको वेट करेंगे, देख सकते हैं प्रोसीड टू सबमिट कर देंगे, इस तरह से देख सकते हैं डेबिट कार्ड वैलिडेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, इस तरह से फ्रेंड आपको मोबाइल में इस तरह से शो कर देगा। शो करने के बाद आपको देख सकते हैं सेट योर प्रेफरेंस यूजर आईडी, इससे क्या होगा कि जैसे आप अपना नाम और जो लास्ट का दो या तीन अंक जो हमेशा आपको याद रहे उसको यहाँ से इंटर कर देंगे, फिर से दोबारा में वही अपना नाम और जो लास्ट का तीन अंक इंटर करने के बाद यहाँ से प्रेफरेंस आईडी जो होता है आपका सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा और सेट हो जाएगा। इसके पर से आपको यहाँ से आ जाएगा चार डिजिट नंबर MPIN बनाना है, उसके पर से न्यू टी पिन होता है क्या, जैसे आप अपना नाम डालेंगे उसके पर से नंबर डालेंगे। चलिए फ्रेंड, हम अपने अपने नाम को चार अंक का डिजिट पिन इंटर कर देते हैं, उसके पर से यहाँ से सेट तीन पिन होता है जो इसको इंटर करेंगे, तो सेट पिन इंटर होता है, जैसे आप अपना नाम कर सकते हैं, जो आप अपना एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका नाम रहता है उसी टाइप में अपना और कुछ भी लिख सकते हैं, लास्ट का दो होता है अंकों में, उसके पर से यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। देख सकते हैं पिन हैव बीन सेट सक्सेसफुली हो जाएगा, उसके पर से आप यहां इसका लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। फ्रेंड, यहां लॉगिन पर जब क्लिक करेंगे तो एम पिन जो इंटर किए होंगे, तो जैसे हमारा 2550 है, देख सकते हैं इस तरह से हम इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा ओपन हो जाएगा। जब फ्रेंड ओपन हो जाएगा तो आप अपने खाते में कितना रुपया है, ट्रांजेक्शन कोई किया है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर दे देगा, आपका जो होता है खाता नंबर कितना आ जाएगा, इस तरह से पूरा डिटेल में आपको दिखाई देगा। इसके पर से आप अपने पैसा किसी पर ट्रांसफर करके आसानी से भेज सकते हैं। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए फ्रेंड धन्यवाद।